हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी निटिंग। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी लेडीज सॉक्स लेके आई। इस लेडीज सॉक्स को बुनने के लिए मैंने ये 4 प्लाई वाली वूल ली है और ये 10 नंबर की नीडल ली है। मैं इसको इस 4 प्लाई वाली वूल से बनाना शुरू करूँगी। तो इसको बुनने के लिए सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो जितने फंदे डालने हैं इतनी वूल को हम यहाँ पर डबल करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये 6 नंबर की साइज की सॉक्स बनाऊंगी। तो यहां पे इसकी एक नोट लगाएंगे, ऐसे नोट लगा लेंगे और फिर एक फंदा बना के नीडल पे डाल लेंगे। अब इस डबल धागे को अंगूठे पे करेंगे, सिंगल को उंगली पे करेंगे। ऐसे करते हुए ऐसे डाल लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही करते हुए यहाँ पे हम अपने 98 फंदे डाल लेंगे। तो मैं ये फंदे डाल के आपको फिर यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फंदे डाल लिए। अब ये जो फर्स्ट फंदा है इसको आप बनाइए या उतारिए, आपकी मर्जी। तो इसको उतारेंगे और पूरी रो को सीधा सीधा ऐसे बुन लेंगे। ऐसे इसको पूरी रो को सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। ऐसे धागे को पीछे रखेंगे, पूरी रो को सीधा बुन लीजिए। तो ये देखिए हमारी ये फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हुई। अब आएंगे हम बैक साइड में। तो इस फर्स्ट फंदे को ऐसे उतारेंगे और धागे को पीछे करेंगे, फिर से पूरी रो को सीधा बना लेंगे। ऐसे पूरी रो को सीधा बनाते हुए दोनों तरफ से हम यहाँ पे 20 सिलाइयाँ बना लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 20 सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हुई। जब हम इनको यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारी यहाँ पे 10 धारियाँ बन के तैयार हुई और 10 बैक साइड में। तो हमारी ये दोनों तरफ से 20 सिलाइयाँ बन के तैयार हुई। हम इसको इतना बनाएंगे जितना पैर के नीचे तलवा होता है उसका हाफ, जैसे ऐसे रखेंगे ऐसे हाफ। जब ये फोल्ड होगा तो नीचे दोनों साइड में बराबर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये 98 फंदे डाल के और फिर इसके पार्ट को बनाया है। ये मेरी 6 नंबर के साइज की सॉक्स है और ये 5 को भी आराम से आएगी और 6 को भी आराम से आएगी। और अगर आप इसमें थोड़ा सा छोटा साइज बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2-4 फंदे कम डाल लीजिएगा। और आप इसमें बड़ा बनाना चाहते हैं, जैसे 6 नंबर की बजाय 7 बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 4 फंदे और ज्यादा डाल लीजिएगा। तो एकदम परफेक्ट साइज आएगा। ये मेरी 6 नंबर के साइज की है, 5 से थोड़ी बड़ी है, 6 के साइज की है। तो मैंने इसमें 98 फंदे डाले हैं। ये 20 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं। आप इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पैर का जो नीचे का हिस्सा होता है उसके हाफ साइज में इसका नाप ऐसे आना चाहिए, फिर ये हमारा परफेक्ट बन जाएगा। तो अब आगे का पार्ट बनाएंगे। तो जितने हमारे ये फंदे हैं इनमें से 2 फंदे निकालेंगे। जैसे 98 है तो 2 फंदे निकालेंगे तो 96 फंदे हमारे बच जाएंगे। 96 का हम जब हाफ हाफ करेंगे तो हमारे यहाँ पे हाफ फंदे जो 96 है उसके हाफ फंदे हम इस साइड में बनाएंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे हम 48 फंदे बुनेंगे। तो ये हमारे ऊपर के पार्ट की फर्स्ट रो है। फर्स्ट फंदा ऐसे उतारेंगे और अब इस रो को यहां से सीधा बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही बुनते हुए हम 48 फंदे बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे 48 फंदे बुन लिए। अब जो ये हमारे 2 फंदे हमने रखे थे ये बीच में, ये सेंटर के 2 हैं और 48 फंदे हमारे ये इस निडल पे हैं।
तो ये दो फंदे हैं जो इनको हम बुनेंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां से फंदों की घटाई शुरू होगी। तो ये दो फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे सीधे जो सेंटर के हैं। अब जो आगे के ये 48 फंदे थे, इनमें से दो फंदे आगे की तरफ से ऐसे घटा देंगे, दो का एक करेंगे और यहीं से ही टर्न करेंगे। यहां से हमारी सीधी तरफ से सीधी सिलाई बनेगी और उल्टी तरफ से उल्टी। अब जो ये दो का एक फंदा किया था, इसको ऐसे ही उतारेंगे और ये दो सेंटर के फंदे हैं इनको बुन लेंगे। अब जो ये इस साइड के हैं, इस नीडल के, इसमें से भी दो का एक करेंगे ऐसे, यहां से उल्टा फंदा, फिर यहीं से ही वापिस मुड़ेंगे। तो इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, ये बीच के दो फंदे हैं इनको फिर बुनेंगे। ये दो का एक किया था वो फंदा बुनेंगे। अब आगे से फिर से दो का एक सीधा फंदा बुन लेंगे ऐसे, फिर यहीं से टर्न करेंगे, दो के एक फंदे को उतारेंगे और आगे के फंदे ये बुनेंगे। ये दो सेंटर के बुनेंगे, ये दो का एक किया था, अब आगे के दो का एक फिर से उल्टा फंदा कर देंगे, फिर यहां पे सीधी तरफ आएंगे, फिर से इस फंदे को ऐसे उतारेंगे और इन फंदों को बुनेंगे। ये दो फंदे हमारे सेंटर के, इनको बुनेंगे, ये दो का एक इसको भी बुनेंगे। अब आगे से फिर से यहां से दो का एक करेंगे ऐसे। तो हमारी यहां से घटाई बीच में से सेंटर से शुरू हो जाएगी। सिर्फ आप यही ध्यान रखिएगा, जो दो फंदे हमारे ये सेंटर में हैं, इन फंदों में घटाई नहीं कीजिएगा। एक बार घटाई सीधी तरफ से लेफ्ट नीडल में आएगी, घटाई हमारी यहां से सीधे फंदे दो का एक, और जब हम राइट नीडल में आएंगे तो यहां पे हम दो का एक उल्टी तरफ से करेंगे। तो बीच के फंदे ऐसे ही घटाते जाएंगे, जब हमारे यहाँ पे दो दो फंदे रह जाएंगे तब तक हम इन सभी फंदों को घटा लेंगे। तो हमारे ये फंदे बीच में आ जाएंगे सारे, यहां से घटते जाएंगे और यहाँ पे दो का एक बनते हुए लास्ट में हमारे ये फंदे हाफ रह जाएंगे, जितने हमने ये डाले थे। तो इसको यहां से ही इसकी घटाई शुरू होगी। सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ से फंदा घटेगा। तो अब ये यहां पे मैंने दो का एक किया, तो यहां से ही वापस मुड़ेंगे, जो दो का एक फंदा करेंगे, इस फंदे को बुनेंगे नहीं, ऐसे ही उतार लेंगे, फिर आगे के फंदे बुनेंगे। यहां से इसको फिर बुनेंगे, अब फिर दो का एक इन फंदों में से करेंगे, तो यहां से दो का एक उल्टा फंदा बुन देंगे। एक बार बैक साइड से आएंगे तो उल्टी तरफ से फंदा घटेगा और सीधी तरफ से आएंगे तो सीधी तरफ से, यहां से अब फंदा नहीं घटेगा, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब इनको सीधा बुनेंगे, जहां पे फंदा घटता है वहां पे आपको अलग से नजर आएगा ऐसे। अब फिर यहां पे दो का एक करेंगे ऐसे, अब फिर यहां से वापस मुड़ेंगे, ये दो का एक किया था इसको ऐसे ही उतारेंगे और फिर से ऐसे इन बीच के फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो अब हमारी यहां से सीधी तरफ से सीधी सिलाई बनती जाएगी और उल्टी तरफ से उल्टी, बहुत ही इजी वे में ये सूक्ष्म बनाएंगे। यहाँ पे फिर दो का एक करेंगे कि इसको बिगनर्स लोग भी आसानी से बना लेंगे, जिसको थोड़ी सी भी बुनाई आती है वो भी इसको आसानी से बना लेगा। यहाँ पे फिर इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे और ये फंदे बीच के बुन लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अलग से शेप आने लग गई है, बीच में जो फंदे घटाई है ये ऐसे दोनों तरफ से घटते जाएंगे। बैक साइड में आएंगे तो यहां से उल्टे फंदे दो का एक करेंगे, सीधी तरफ रहेंगे तो यहां से दो का एक सीधा फंदा बुन देंगे।
ऐसे ही घटाते हुए 2, 4, 6, 8, 10, अब हमारे ये 10 फंदे बन गए। तो दोनों तरफ से हम घटाते जाएंगे तो यहां पे बीच में हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, यहां पे घटते जाएंगे। तो इन सभी फंदों को ऐसे ही हम घटा के फिर आपको दिखाएंगे कि आगे के पार्ट में इसमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब आ गए हम लास्ट में। तो लास्ट में अब हमारे यहाँ पे 4 फंदे बचे, तो फिर से 2 का 1 करेंगे उल्टा फंदा। अब यहीं से ही फिर वापस मुड़ेंगे। तो अब 2 फंदे हमारे यहाँ पे रह गए और 2 फंदे हमारे ये लास्ट में हैं अलग से। तो ये 2 फंदे हैं और 2 ये, इनको घटाएंगे नहीं। तो इस सिलाई को पूरे को यहाँ पे सीधा बुनेंगे, इस फंदे को उतारेंगे और पूरी रो को फिर से सीधा सीधा बुनते जाएंगे। अब आ गए हम ये लास्ट में। तो लास्ट में हमारे जैसे 2 फंदे बचे हैं, इनको हम घटाएंगे नहीं, इनको ऐसे ही सीधा बुन देंगे। तो अब हमारे टोटल नीडल पे ये 52 फंदे हैं। अब यहां से बैक साइड में आएंगे तो फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और धागा पीछे करेंगे और पूरी रो को यहां पे फिर सीधा बनाएंगे। अब ये यहां से दोनों तरफ से सीधी सीधी बनाते हुए हम 12 सिलाइयां बना लेंगे, यहां से भी सीधी और फिर सीधी तरफ आएंगे फिर भी सीधी। तो यहाँ पे हमारी ये धारियां बन जाएंगी, जैसे हमारी ये इस सॉक्स में बनी हुई है ऐसे ऊपर ये बॉर्डर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 धारियां। तो 12 सिलाइयां बना के ये बॉर्डर बनाएंगे और इसकी इस तरह से शेप आएगी। बहुत ही प्यारी फिटिंग आती है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब ये बॉर्डर बना के इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे 12 सिलाइयों का बॉर्डर आप बुन लीजिए। अब हमारा ये बॉर्डर बन के कम्प्लीट हुआ। सीधी तरफ से हमारी ये 5 धारियां हैं और बैक साइड से हमारी ये यहाँ पे 6 धारियां हैं। तो अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। 11 सिलाइयां हमारी बन चुकी हैं, 12वीं सिलाई है बैक साइड में। जब हम फंदों को बंद करेंगे तो हम बैक साइड से बंद करेंगे, ये फर्स्ट फंदे को ऐसे बुनेंगे और इसको लूज रखेंगे इस फंदे को, फिर इस पे डाल लेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे। जो 2 का 1 फंदा करेंगे इसको लूज रखेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से इस फंदे को लूज रखेंगे, वापस इसी नीडल पे डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे, ऐसे फिर से इस पे डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर से इसी पे डाल लेंगे, लूज रखेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर इसी पे डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही करते हुए हम इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो जब हम बाइंड ऑफ करेंगे तो ये हमारी छठी धारी बन के आ जाएगी। जो बाइंड ऑफ करेंगे फंदे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही इन सभी फंदों को हम बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये सुख से हमारी ये जिसको 5 नंबर छोटा रहता है और 6 नंबर बड़ा रहता है, बीच के साइज में है, तो उसके लिए मैंने ये बनाई है। बहुत ही प्यारी फिटिंग बन के आई है। अगर जिसको पूरा 6 नंबर आता है तो उसमें आप इसमें यहाँ पे फंदे जैसे ये यहाँ पे डालेंगे, ये फंदे मैंने यहाँ 98 डाले थे, तो आप यहाँ पे 6 फंदे और ज्यादा डाल लीजिएगा, साइज सही आएगा। और एक और जो फंदे डाल के यहाँ पे इन फंदों को डबल करके ऐसे नीचे पैर से लगा के मेजर कर लीजिएगा, तब भी हमारा साइज परफेक्ट आएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए तब आप इस सॉक्स को बनाएंगे तो बहुत ही प्यारी फिटिंग आएगी और बनाना बहुत ही आसान है। और जितनी देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। चलिए तो अब हम इन फंदों को ऐसे ही करते हुए सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। और जो आपने इसके अंदर जैसे 4 नंबर में बनानी है तो आप इसमें यहाँ पे 98 फंदे जैसे मैंने डाले हैं, यहाँ पे आप 92 फंदे वगैरह डाल लीजिएगा तो साइज एकदम सही आएगा। इसमें आप छोटे बच्चे के लिए भी बना सकते हैं और बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। सिर्फ इन फंदों को नीडल में डालने के बाद इनको ऐसे फोल्ड करके और नीचे ऐसे पैर से मेजर कर लीजिएगा तो साइज सही आएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन फंदों को बाइंड ऑफ करते हैं यहाँ पे। तो दो का एक करेंगे, ऐसे ही करते हुए इस फंदे को हमेशा लूज रखिएगा। फिर दो का एक करेंगे। अगर आपने इस फंदे को टाइट कर लिया तो ये किनारी इतनी टाइट बन जाएगी, जब हम इसको पैर में डालेंगे तो हमारा साइज सही नहीं बन के आएगा, ये लूज होनी चाहिए यहाँ पे। तो इन फंदों को बाइंड ऑफ करते हैं, दो का एक करेंगे, फिर वापस लेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर से वापस इसी पे लेंगे और दो का एक करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और दो का एक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे, क्योंकि इसी धागे से ही हमने इसकी सिलाई करनी है। तो इसको थोड़ा सा लंबा काट लेते और इसके अंदर से डाल के ऐसे इसको टाइट कर देंगे ऐसे यहाँ से। तो हमारे ये फंदे ऐसे बाइंड ऑफ हो चुके हैं। इसको लूज करेंगे तो ये पहनने में बहुत ही आसानी से पैर में डल जाएगा। तो अब इसको ऐसे यहाँ पे फोल्ड करेंगे। अब इस धागे को सुई में डाल लेंगे और यहाँ से और यहाँ तक ऐसे, और फिर यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए, आप किसी भी मेथड से इसकी सिलाई कर सकते हैं। यहाँ पे डाल लेंगे ऐसे, इसकी सिलाई करेंगे, फिर यहाँ पे डाल लेंगे, एक बार यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, सुई को डाल लेंगे एक बार दूसरी साइड से। ये जो चैन बनी हुई है, इस चैन के अंदर से ऐसे ही डालते जाएंगे, एक बार इस चैन में से, एक बार इस चैन में से, ऐसे इसकी सिलाई करेंगे। बारीक बारीक करते हुए इसको सफाई के साथ सील देंगे। तो इसको सील के यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, फिर इसको यहाँ तक इसकी सिलाई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ पे सीधा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से बन के आई है और बहुत ही प्यारी सॉक्स बनी है। आप इसी तरह से बनाइए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये सॉक्स का डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा ये सॉक्स का डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक यू।